हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी, आपका दोस्त, आपका टीचर। और आज की इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मीनिंग को हमने समझा, अकाउंटिंग की फीचर्स को हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की, कुछ एडवांटेज के बारे में बात की। और आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग की मेन एक टर्मिनोलॉजी, जैसे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, किसके अंदर कौन आता है। आज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम बुक कीपिंग को। बुक कीपिंग में हमें क्या कहा गया है, बोला गया कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर हम जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी फाइनेंशियल इवेंट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ये बुक कीपिंग का काम होता है। और इस बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, यानी इस बुक कीपिंग में हम और किन किन चीजों को शामिल करते हैं, क्या क्या हमारे स्टेप होते हैं, क्या हमारी प्रोसेस होती है, वो थोड़ा सा और हम नीचे समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, जितनी भी इवेंट होती है, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि इन ट्रांजेक्शन में, इन इवेंट्स में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन या कौन कौन सी इवेंट्स फाइनेंशियल नेचर की हैं या नहीं है। जो फाइनेंशियल नेचर की होती है वही ट्रांजेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सभी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि फाइनेंशियल नेचर है या नहीं है। सेकंड नंबर पर हम क्या करते हैं, मेजरिंग देम टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शंस या इवेंट हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं मनी में, यानी उनको हम मेजर करते हैं मनी में। हम ये देखते हैं कि ये इवेंट या ये ट्रांजेक्शन अगर हुई है तो ये फाइनेंशियल नेचर की है, और अगर ये फाइनेंशियल नेचर की है तो ये मनी में कितनी होगी, अमाउंट में कितनी होगी, कितने रुपए की ये ट्रांजेक्शन है, हम उसको फिर क्या कर लेते हैं, मनी में मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हम नंबर 3 पर क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है, बुक कीपिंग का काम है। सेकंड नंबर पर उस आइडेंटिफाई की गई ट्रांजेक्शन को हमने मेजर कर लिया मनी में, हम ये तय कर लिया कि ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये कितने रुपए की होगी, जितने रुपए की भी होगी वो क्या है, वो हमारा मेजरमेंट हो गया। ये हमारा सेकंड स्टेप है बुक कीपिंग का। थर्ड स्टेप क्या होता है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब हम मेजरिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्ड करना भी बुक कीपिंग का ही पार्ट है। ये काम किसके अंदर किया जाता है, बुक कीपिंग के अंदर किया जाता है। और बुक कीपिंग किसके अंदर की जा रही है, अकाउंटिंग के अंदर की जा रही है। अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है जो बुककीपिंग से बड़ा है, और अकाउंटिंग के अंदर ही एक टर्म आती है बुककीपिंग। बुककीपिंग में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजरिंग करते हैं, और उसके बाद फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और जब हम ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, अकाउंट में रिकॉर्ड्स कर लेते हैं, तो रिकॉर्ड करने के बाद हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको हम नेचर के बेस पर बांट देते हैं। जिसका जैसा नेचर होगा उस तरह का जो भी रिकॉर्ड हमने किया होगा, उस तरह की जो भी ट्रांजेक्शन हमारी होगी वो उस नेचर वाले के साथ चली जाएगी, यानी एक जैसे नेचर की जो रिकॉर्डिंग होगी, जो क्लासिफिकेशन होगा वो एक तरफ होगा, और सेकंड नेचर का जो क्लासिफिकेशन होगा वो दूसरी तरफ किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे वर्क हमने किए हैं ये बुककीपिंग के वर्क हैं, और बुककीपिंग जो है वो अकाउंटिंग की एक
टर्म है। उसके बाद तो ये शायद आपको क्लियर हो चुका होगा बुककीपिंग क्या होती है। बुककीपिंग का सिंपल सा मतलब ये है, आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको आइडेंटिफाई करना, उन ट्रांजेक्शन को फिर मेजर करना, और उन ट्रांजेक्शन को मेजर करने के बाद रिकॉर्ड करना और उसका क्लासिफिकेशन कर देना, ये काम होता है बुककीपिंग का। उसके बाद हमारा जो काम शुरू होता है वो आगे थोड़ा और बढ़ जाता है, जिसे हम समझते हैं अकाउंटिंग के वे में। अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म देन बुककीपिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुककीपिंग एंड। यानी ये जो अकाउंटिंग होती है ये बुककीपिंग से थोड़ी बड़ी होती है। अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो ज्यादा है, जबकि बुककीपिंग का जो स्कोप है वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि बुककीपिंग आइडेंटिफाई से शुरू होती है और क्लासिफिकेशन पर जाकर के निमट जाती है, खत्म हो जाती है, एंड हो जाता है उसका। और जहां पर बुककीपिंग का एंड होता है वहां से हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। और जब बुककीपिंग का एंड हो जाता है यानी हम क्लासिफाई कर लेते हैं, क्लासिफाई करने के बाद हमें क्या करना होता है, समराइज करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, एनालाइज करना होता है और कम्युनिकेट करना होता है। तो ये सारे फंक्शन, सारी प्रोसेस जो होती है ये अकाउंटिंग की होती है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी अकाउंटिंग का वर्क है और ये तो अकाउंटिंग है ही है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में इसे एक अलग टर्म से जाना जाता है जिसे हम बुककीपिंग कह लेते हैं, जो आइडेंटिफाई से शुरू होती है और क्लासिफाइंग तक चलती है, और क्लासिफाइंग के बाद बुककीपिंग का काम खत्म हो जाता है और मेन अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है, जहां हम समराइज करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को पता करते हैं, उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और हम इन सारी इंफॉर्मेशन को जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये सारा काम होता है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग एक बड़ा टर्म है जबकि बुककीपिंग एक छोटा टर्म है जो अकाउंटिंग के अंदर रह करके काम करता है। आई होप ये आपको दोनों जो टर्म है क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है वो इससे भी थोड़ा सा बड़ा टर्म है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी एक रूल्स रेगुलेशन को बोला जाता है, अकाउंटेंसी कुछ प्रिंसिपल्स को बोला जाता है और अकाउंटेंसी एक नॉलेज को बोला जाता है। जैसे कि यहां पर हमने मेंशन किया है कि अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज प्रोसेस। जो अकाउंटेंसी है वो एक नॉलेज है, जबकि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस किसके अंडर की जाती है, अकाउंटेंसी के अंडर की जाती है। जैसे आगे लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग प्रोसेस is carried out on the basis of the rules and principles framed by accountancy। यानी जो accountancy में rules regulation बनाए गए हैं, जो principles accountancy के हैं, उन्हीं के बेस पर हम accounting करते हैं। accounting करने के तरीके कहाँ से copy करते हैं, हम accountancy से copy करते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ में आ चुकी होंगी, बुककीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है या अकाउंटेंसी क्या होता है। अगर इसको हमने एक डायग्राम से समझे तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये बुककीपिंग है, इसे हम मान लेते हैं क्या है, ये बुककीपिंग है और ये बुककीपिंग किसके अंडर काम कर रही है, ये बुककीपिंग काम कर रही है अकाउंटिंग के अंडर। ये बुककीपिंग काम कर रही है अकाउंटिंग के अंदर और अकाउंटिंग किसके अंदर में काम करती है, अकाउंटिंग काम करती है अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल के बेस पर। जो भी अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल होते हैं उनके बेस पर अकाउंटिंग की जाती है और अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या होता है, बुककीपिंग की जाती है। तो सबसे पहले क्या टर्म आती है, बुककीपिंग आती है। बुककीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मेजरिंग करते हैं, उनको फिर रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्लासिफाइंग कर लेते हैं। और जब क्लासिफाइंग हो जाता है तो बुककीपिंग का काम खत्म और अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। और अकाउंटिंग में उसके बाद हम समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी रिजल्ट हमारे होते हैं, उनको अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। ये अकाउंटिंग होती है। और अकाउंटिंग को जिस प्रिंसिपल्स के बेस पर किया जाता है, अकाउंटिंग को जिस रूल्स रेगुलेशन के बेस पर कंप्लीट किया जाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस को जिन
प्रिंसिपल्स के बेस पर कंप्लीट किया जाता है उसको कहा जाता है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, जबकि अकाउंटेंसी क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आई होप आपको ये तीनों टर्म क्लियर हो चुकी होगी, और अगर आपकी ये तीनों टर्म क्लियर हो चुकी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।